हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। एंड आज बात करेंगे हम सबसे इजी चीज के बारे में। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इजी हैं, उनमें से एक है हाउ टू गेट दुबई वीजा। तो चलिए बात करते हैं। बात करते हैं मोस्ट इजीएस्ट थिंग, दैट इज हाउ टू गेट दुबई वीजा। इतना इजी है ना, आप सुनेंगे ये तो एज इजी एज पाई। एंड फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वीजा, कॉस्ट ऑफ वीजा और एंड हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी टाइप्स ऑफ वीजा। टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा एंड एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंस वीजा। तो जो टाइप्स ऑफ वीज़ा में सबसे पहले हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा, जो कि होता है टू टाइप्स, 14 डेज एंड 30 डेज। तो जो 14 डेज वीज़ा होता है, जनरली लोग जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं 7 डेज की घूमने के लिए या कुछ काम से, वो लोग अप्लाई करते हैं 14 डेज वीज़ा, जिसकी कॉस्ट होती है 320 दिरहम्स। एंड 30 डेज वीज़ा की कॉस्ट होती है 350 दिरहम्स। ये वीज़ा वो लोग चूज़ करते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए दुबई आ रहे हैं। एंड ये वीज़ा जो है, जिसमें 1 month 30 डेज मैंने आपको बताया, ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होते हैं। जैसे आप यहाँ पे आए अगर किसी काम से या जॉब ढूंढने के लिए और आपको लग रहा है वो टाइम कम है, तो ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होते हैं। जो 1 month का वीज़ा है, आप उसको 1 month के लिए और 90 डेज यानी कि 3 months के लिए भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप 1 month के लिए एक्सटेंड कराते हैं तो उसकी कॉस्ट है 1000 दिरहम्स। एंड अगर आप 90 डेज लॉन्ग टर्म 3 months के लिए एक्सटेंड कराते हैं तो उसकी कॉस्ट है 1300 दिरहम्स। एंड अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा, जो कि होता है 90 डेज के लिए, उसकी कॉस्ट होती है 750 दिरहम्स, जो कि आप जहाँ पे भी हैं वहीं पे रह के अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा पे यू ही आ सकते हैं। अगेन, ये वीज़ा वो लोग अप्लाई करते हैं जो जॉब्स ढूंढने आते हैं, या फिर सपोज़ मैं अपनी फैमिली को या अपने पेरेंट्स को बुला रही हूँ, या कोई भी अपने पेरेंट्स को बुला रहा है जो यहाँ पे आके आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, दुबई घूमने के लिए आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता है और जॉब ढूंढने के लिए आना चाहता है, वो चूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा, जो कि है 750 दिरहम्स का। एंड अगेन, ये वीज़ा भी एक्सटेंडेबल है। आप 90 डेज वीज़ा को 1 month के लिए, 3 months के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो भी इनसाइड द कंट्री। आपको कहीं कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन टू से एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रह के भी किसी भी ट्रैवल एजेंट से बात करके अपना वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं, और उसकी कॉस्ट वही है। अगर आप 1 month एक्सटेंड करवाते हैं तो 1000 दिरहम्स, अगर आप 90 डेज के लिए एक्सटेंड कराते हैं यानी कि 3 months, जिसकी कॉस्ट है 1300 दिरहम्स। नाउ अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंस वीज़ा, जो कि होता है 2 से 3 साल के लिए। एंड एक आपको इम्पॉर्टेंट और बढ़िया सी बात बता देती हूँ, अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ घूमने भी आते हैं तो आप उस वीज़ा पे यहाँ पे जॉब भी ढूंढ सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली लीगल। वो लीगल है, आप यहाँ पे आके विजिट वीज़ा पे भी अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड अगर आपको जॉब मिल जाती है, कंपनी विल प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसको हम रेजिडेंस वीज़ा भी कहते हैं। एंड वो जो भी कॉस्ट होगा वीज़ा का, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, दैट विल बी वियर बाय दी कंपनी। कंपनी आपको वो वीज़ा प्रोवाइड करेगी फॉर 2 or 3 years। एंड उसके बाद अगर आप वहाँ कंटिन्यू करते हैं तो वो वीज़ा कंपनी ही रिन्यू करवाती है। एंड अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो आप मेरे 2 videos मैंने उसके ऊपर बनाए हैं, जॉब्स इन दुबई, व्हाट टू पैक, वो ज़रूर देख लीजिएगा इफ़ यू आर कमिंग फॉर जॉब्स। नाउ हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना, ये तो ज़रूरी है ना भाई, तो वही आने के लिए, जो कि है एज ईजी एज 1 2 3। सो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन साइट विजिट करना है, नो आपको कहीं जाके इंटरव्यू देना है वीज़ा के लिए, नॉट एट ऑल। आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक ट्रैवल एजेंट और एजेंसी में बात करनी है, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फोन कॉल आप बात करेंगे। आई वॉन्ट दिस मच दिस टाइम पीरियड ऑफ वीज़ा, मुझे 30 डेज़ का
या 90 डेज का, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी आपको वीज़ा चाहिए आपको उनसे बात करनी है एंड अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आपके पासपोर्ट की फ़ोटो, फ्रंट एंड बैक बोथ, एंड योर करंट फ़ोटो. तो आपको आपके पासपोर्ट की स्कैन फ़ोटो या स्कैन करके या फ़ोटो, वट एवर आर यू कम्फर्टेबल, बट इट शुड बी क्लियर. तो वो अपने आप ट्रैवल एजेंट को भेज दीजिए विद अ करंट फोटोग्राफ, तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट विद इन 2 working days. जैसे आज आपने अप्लाई किया तो मोस्ट प्रॉबली कल शाम तक यू विल गेट द वीज़ा. और ये ई वीज़ा होता है तो आपको ई के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा. आप सिंपली उसका प्रिंट आउट लेंगे जब भी आप ट्रैवल करेंगे. एंड एक सजेशन, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्ट दुबई में किसी ट्रैवल एजेंट से बात कीजिए, जिससे आपको कॉस्ट कम पड़ेगी. जस्ट बिकॉज अगर आप इंडिया में किसी ट्रैवल कंपनी को देते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट को देते हैं दुबई के वीज़ा के लिए आपके पासपोर्ट के कॉपीज देते हैं, अगर आप इंडिया में किसी ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं फॉर दुबई वीज़ा, तो वो भी दुबई ही किसी ट्रैवल एजेंट से बात करने वाला है फॉर योर वीज़ा, और वो अपना मार्जिन रखेगा एंड देन वो आपको कोट कर देगा. सो बेटर टू अप्लाई डायरेक्ट. आप कुछ ऐसे लिंक्स निकालिए, ऑफकोर्स आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे जो कि यूएई में है. सो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छे प्राइस पे वीज़ा मिल जाएगा. एंड गाइस, लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, दुबई में पीआर नहीं मिलती, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस, एज इट इज़ गल्फ कंट्री. तो यहाँ अगर आपको जवानी से लेके बुढ़ापे तक यहाँ पे रहना है, तो जो आपका वीज़ा है, जैसे मैंने आपको बताया 2 साल का वीज़ा, 3 साल का, तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं आपके ऑफिस के थ्रू, या आप कहीं से वीज़ा बाय कर सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए. तो आपको वीज़ा चाहिए बिकॉज इट इज़ अ गल्फ कंट्री, सो पीआर यहाँ पे नहीं है. सो गाइज, आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग एक्साइटिंग वीडियोस. एंड आपसे मिलती हूँ आने वाले बढ़िया से इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में. एंड हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए. टिल देन, बाय बाय. गाइज, लाफिंग अटैक. आपको बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. म्यूजिक बहुत आ रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत शोर आ रहा है यार. एंड गाइज, अरे यार.